हाँ ये जहीन बच्चा लग रहा है। वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 आंखें होती हैं? सर वो कौन सी चीज है जो फट जाती है तो हम उसे सी नहीं सकते? तुम पता पानी में घुसते खाते हैं। किस मुर्दा चीज का गोश्त खाना हलाल है? अबे बटरफ्लाई कहाँ पे देखा, वो आधा कटे हुए सेब जैसा। पान आपके लंग सेब जैसे। गुलाब गुलाब तुम लोग खाते हो? Assalamualaikum viewers, मेरा नाम अब्दुल वासे और आप देख रहे हैं अब्दुल वासे ऑफिशियल। जी तो viewers, आज हम लोग आए हैं गुलशन मेमार के एक कोचिंग सेंटर के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे तालीम हासिल करने वाले बच्चों का IQ लेवल कहाँ है। तो चले। Assalamualaikum, मैं आप लोगों से करूँगा कुछ सवाल जिसके बदले में हम आपको देंगे कैश प्राइजेस। जो सही जवाब देगा, जिसको भी जवाब आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, उससे फिर हम पूछेंगे, ठीक है? तो क्या नाचोगे? वो कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? गोता तो नहीं है। गोता नहीं है, पानी में गोते ही खाते हैं। चलो प्रूफ कर दो कैसे। गोता हवा में तो खा नहीं सकते, पानी में ही खाएंगे। मजा आया। नहीं है जवाब, नहीं है। एक और सवाल करते हैं। नहीं। वो कौन सा मुल्क है जिसने खला में सब्जियां उगाने की कोशिश की थी? बताओ। चाइना। नहीं चाइना नहीं है। अमेरिका। नहीं अमेरिका भी नहीं। तुक्के लगाओ। रशिया। नहीं। तुम क्यों परेशान हो, एग्जाम नहीं है? नहीं सोच रहा हूँ। हैं सारे तुक्के तुम ही मार लो आज। वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 आंखें होती हैं? सर मक्खी। सब बस बेटा, मक्खी मच्छर और करवा सिताया कॉकरोच। तुमने बेटा कॉकरोच की कब 8 आंखें देखी? खत्म। सर आंखें बोली टांगे बोली? आंखें पूछी मैंने, ये तो टांगे सोच रही है, तो ऊपर से आ रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। लड़कियों में से कोई बताए? हनी भी। कैसे? पता नहीं कैसे है, प्रूफ तो करो। बैठ। अच्छा भरोसा अपने ऊपर है ही नहीं इनको, इन्होंने जवाब ही चेंज कर दिया। नहीं पता, प्रूफ कर नहीं पता। चलो यही है जवाब, थोड़ी सी क्लैपिंग कर दो। ए, आपका एक छोटा सा कैश प्राइज, ठीक है? कैसे तुक्का मारा? बस ऐसी दिमाग में आ गया। तो क्या नाचो मैं? वो कौन सा मुल्क है जहाँ एक भी चिड़िया नहीं है? पाकिस्तान। है? किसने बोला ये पाकिस्तान? बहुत तेज हो रहा है। पाकिस्तान में चिड़िया नहीं है? हाँ ये जहीन बच्चा लग रहा है। जापान। नहीं जापान नहीं है बेटा। श्रीलंका भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, नहीं अफ्रीका भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, एंटार्क्टिका भी नहीं है, दुबई भी नहीं है। ऐसा मुल्क है जहाँ पे मतलब उसका है वहाँ पे छोटी जगह है, बस उसका नाम है सर मुल्क है। अच्छा क्या नाम है सर? आइलैंड पता नहीं क्या नाम है सर उसका। अच्छा वहाँ पे क्या है सर? छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे चिड़िया कैसे होगी? छोटे से मुल्क में चिड़िया नहीं होती है? छोटा सा है जिनके समंदर के तकरीबन उसके समंदर नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे छोटा मुल्क सिंगापुर है, लेकिन उधर भी चिड़िया है। जो मुल्क नहीं देखा वो मुल्क है ही नहीं, मतलब ये नहीं पता कि चिड़िया है कि नहीं है, ठीक है? बेटा ये तो नॉलेज वाली चीज है ना, मैंने क्यों बोला आते कि IQ लेवल के सवाल करूंगा मैं आपसे। आधे घंटे से सिंगापुर पे बहस कर रहा था। मुझे नहीं पता। बताओ 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 कहाँ से आते हैं? स्विट्जरलैंड में। तुमने चिड़िया नहीं देखी? मैं बताऊंगा तो फिर मैं पैसे भी लूंगा। अपने साथ रख देना, पैसा अपने साथ रख ले। ये मेरे साथ ही गेम खेल रहे हैं। न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है, कभी पढ़ा किसी ने? न्यूज़पेपर सबसे पहले किस मुल्क में आया था? किसने ये सिलसिला स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर का? किस मुल्क ने किया था? कंट्री नेम पूछ रहा हूँ। इंडिया। चाइना। नहीं अंग्रेजों ने। बेटा मेरे मुल्क पूछ रहा हूँ मैं। मस्त जोक मारा रे। अमेरिका। नहीं जापान। नहीं बेटा बांग्लादेश तो आजादी के टाइम बाद हुआ है। जर्मनी। जर्मनी नहीं है। इटली नहीं है। कनाडा भी नहीं है। फ्रांस भी नहीं है। फ्रांस भी नहीं है। टर्की भी नहीं है। बेटा लड़की पार्टिसिपेट करे, लड़कियों का नाम नहीं पता मुल्क के, क्या मसला? समझ रहे हो? टर्की। अबे 3 दफा टर्की बोल चुके भाई, बच्चे खेलना मारा ये नोटी नोटी। अच्छा एक सवाल हम करते हैं लड़कों से, वो कौन सी चीज है जो फट जाती है तो हम उसे सी नहीं सकते? बड़ा हरामी हो बेटा। है बॉल। बॉल भी है? पतंग। पतंग भी नहीं है। नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ। फटने वाली चीजें बहुत है लेकिन बेटा उसको सी नहीं सकते। गुब्बारा फट जाता है तो सी थोड़ी सकते हैं, बस बेकार।
यही है जवाब। थोड़ी सी क्लैपिंग कर दे। एक छोटा सा कैश प्राइज हमारी तरफ से। वो कौन सी नबी थे जो पैदा होते ही बोलने लगे थे? हजरत ईसा भी नहीं है, हजरत मूसा भी नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कैसे वो पैदा वो बड़े हुए थे? वो बच्चे थे नहीं, क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं उनके, वो पैदा ही बड़े हुए थे। सर हजरत ईसा होगा ना? नहीं हजरत ईसा नहीं है, हजरत आदम ही है। थोड़ी सी क्लैपिंग कर दे। किसने दिया था जवाब? छोटा सा कैश प्राइज है। किस चीज की आवाज 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है? वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह अपनी स्किन बदलता है? स्किन बदलता है, कलर नहीं। बताओ बताओ बताओ, आप बहुत सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? नहीं पता ही नहीं है। ये सबसे शरीफ बच्चा लग रहा है मुझे इसी क्लास का, समझ रहे हो? कोई तुक्का मार दो। तुक्का मैंने मारा, दो बार मारा, निकल गया। जिराफा स्किन बदलता भी है? क्रोकोडाइल नहीं बदलता। एनाकोंडा भी? अबे सांप ही हुआ ना वो। सी एनिमल है वो? सी एनिमल तो नहीं है। नहीं सी एनिमल भी नहीं है। हिंट दो छोटी सी। उसकी दो से ज्यादा टांगे। ऑक्टोपस? दो से ज्यादा टांगे उसकी। थोड़ी सी क्लैपिंग कर दे। छोटा सा कैश प्राइज। किस मुर्दा चीज का गोश्त खाना हलाल है? मछली? मछली बकरी और मुर्गी। एक है सर, सर दो तीन जानवर हैं सर। मजा आया। अपने अलावा जितने बताओ। गजब बेइज्जती है। कबूतर? अबे यार जानवर हलाल बोल रहा हूँ ये तो ऊपर से आ रहे हैं। फिश है? सबसे पहले इसने जवाब दिया था। ये आपका एक छोटा सा कैश प्राइज। वो क्या है जो नजर तो सब्ज आती है, सब्ज ग्रीन, लेकिन उसका रंग लाल होता है? पान। ऐसा लगा मेरा मजाक। पानी है? तरबूज? तरबूज नहीं, तरबूज नहीं है। नहीं बता सर, तरबूज ही होता है। तरबूज ही होता है? नहीं है बेटा, तरबूज नहीं है। तरबूज ही होता है? तरबूज नहीं है बेटा, पान तरबूज नहीं है। हां हां चीज है, लड़कियां ही यूज करती हैं मोस्टली। मेहंदी? मेहंदी बिल्कुल मेहंदी है। कैसे दिमाग में आया? ग्रीन कलर का होता है लेकिन जब वो हाथों पे अप्लाई करते तो रेड कलर आता है। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। 1.3 सेकंड। 8.20। सबने तकरीबन 8 ही दिए। 24 घंटे रात होती है? कैसे? रोज पहले रात होती है, उसके बाद फिर दिन होता है ना, इसलिए। बेटा नहीं, क्या हो गया? नाम क्या तुम्हारा? नवीद। नवीद का जवाब बिल्कुल सही था। थोड़ी सी क्लैपिंग कर दो नवीद के लिए। नवीद भाई आपका छोटा सा कैश प्राइज। आधे कटे हुए सेब की शक्ल किससे मिलती है? आधे कटे हुए सेब से? हार्ट। हार्ट दिल है? कैसे बेटा? सर मैंने देखा था। कहाँ पे? टेप पे। अबे बटरफ्लाई कहाँ पे देखा? वो आधा कटे हुए सेब जैसा, उसको अगर बीच से काटो तो वो यूं बनती है और बीच में एक डंडी होती है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। नहीं नहीं बेटा ये नहीं है। कोई ना कोई तुम बता दो। यस सर, पता चल रहा मुझे। गजब बेइज्जती है। लंग्स से कौन बोल रहा है? लंग्स से कैसे बेटा? लंग्स के दो साइड्स होते ना। हां वो इस साइड। सेब से कैसे मिलेगा? बस मिल गया। ऐसी है शेप उसकी, ऐसी है। आपके लंग्स सेब जैसे हैं? थोड़ी बोलते है बेटा बटरफ्लाई नहीं है, जबरदस्ती करवाएगा क्या? आधा सेब काटे उसकी तरह। अरे कहना क्या चाहते हो? इस लड़के ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहले आधा कटा हुआ सेब दूसरे आधे कटे हुए सेब जैसा लगता है। उसकी
उसकी शक्ल उतर गई है, इतना परेशान हो गया कि इसने बोला कि मेरा सवाल का जवाब मैंने सही दिया और फिर भी मुझे नहीं मिल रहा कैश। वो कौन सा फूल है जिसे सूंघा नहीं बल्कि खाया हो जाता है? गुलाब। गुलाब तुम लोग खाते हो? हाँ सर खाता। वो गुलाब खाते हो तुम लोग? सर खाते हुए देखा है। किसको खाते हुए देखा? ऐसे ही किसी को। नहीं बेटा नहीं है, है फूल को भी बिल्कुल। ये जवाब थोड़ी सी क्लैपिंग कर दे। वो क्या चीज है जिसको इस्तेमाल करने से पहले तोड़ा जाता है? पहला इसने दिया जवाब।